अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। वेल गाइस, आज हम लोगों ने बनाना है जी बनाना ट्राइफल। यस, बनाना ट्राइफल। सो यू कैन कॉल इट कस्टर्ड और ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल, कुछ भी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आज ऐड करने हैं फ्रूट्स और फ्लेवर है इसका बनाना। सो दैट्स व्हाई हमें बनाना है बनाना ट्राइफल। सो कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट इट जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे लिया है एक पैन और उसमें शामिल किया है 2 किलो दूध। दूध को बॉयल आने तक हम अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप चीनी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने जायके के हिसाब से अगर चाहें तो इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि यहाँ पर 2 किलो दूध लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है 1 फुल कप चीनी का। अगर आपने 1 किलो दूध लेना है सो आप उस हिसाब से चलेंगे। मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध लिया है और इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। जब दूध बॉईल हो जाए अच्छे तरीके से तो दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या करना है कि एक बाउल लेना है। उस बाउल में 1 पाव के करीब दूध शामिल किया मैंने यहाँ पर और उसमें मैंने बनाना कस्टर्ड फ्लेवर के एटलीस्ट 8 स्पून जो है वो ऐड कर दिए हैं। अगर 1 किलो दूध लेना है तो उसमें हम 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, लेकिन मैंने 2 किलो दूध लिया है लिहाजा मुझे यहाँ पे 8 चम्मच बड़े जो खाने के हैं वो लेने पड़ गए हैं कस्टर्ड पाउडर के। बनाना फ्लेवर में है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रह जाए और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इस मिक्स किए हुए कस्टर्ड को हम शामिल करेंगे उबलते हुए दूध में। एज़ यू कैन सी, चमचे की मदद से हम दूध को हिलाते जाएंगे और अपना पेस्ट डालते जाएंगे। एज़ यू कैन सी गाइस कि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा नीचे गुठलियाँ बाकी रह गई थी जो कि मैं अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर पाई थी, सो मैंने जल्दी से उसको मिक्स कर लिया और वापस दूध में शामिल कर लिया। याद रखिएगा कि यहाँ पर चम्मच बराबर चलाते रहेंगे। अब इस पोजिशन पर हम लोगों ने फ्लैम कर लेना है फुली ऑन और चमचे की मदद से बराबर हिलाते रहेंगे। यहाँ पर चमचा साथ साथ चलाने का मकसद एक ही है ताकि इस कस्टर्ड में लम्स ना बने और वो एक स्मूथ पेस्ट ही रहे ताकि जब आप इसको सर्व करो तो वो अच्छे टेस्ट के साथ साथ अच्छा दिखे भी। अब इस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी हम लोगों ने इतनी रखनी है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत थिन हो। कस्टर्ड को हम रखेंगे धीमी आंच पर और दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन और इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी कस्टर्ड के लिए जेली तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैं बनाना फ्लेवर की जेली ऐड कर रही हूँ। जेली बनाना बहुत ही आसान है, सिंपली पानी को बॉईल किया, उसमें जो साशे होता है जेली का वो ऐड कर दें और उसको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स पका लें और फिर उसके बाद उसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे हम। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक और जाली रेडी करनी है जो कि है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, क्योंकि वो बहुत प्यारी डेकोरेशन दिखेगी जब हम उसको बाद में डेकोरेट करेंगे। तो सो यहाँ पर एज़ यू कैन सी दैट के पानी बॉईल किया अगेन जिस तरह पहले किया था और इसमें हम लोगों ने शामिल कर दिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जाली और इसको अगेन पकाएंगे उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने पहले आपके सामने जाली को रेडी किया 3 to 4 मिनट्स के लिए और अगेन इसको भी निकाल कर हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे जी। तो अब बारी आती है डेकोरेशन की, विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट बचपन से। सो करना ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो कस्टर्ड के ऊपर एक थिक सी लेयर जम गई थी हम लोगों ने उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि जब हम उसको ऐड करें तो फिर भी वही लम्स वाला इशू आ जाएगा। सो जो चीज़ हमारे खाने में बिल्कुल भी प्यारी नहीं दिखेगी, लेकिन उस लेयर को, थिक लेयर को रिमूव करने के बाद मुझे अगेन रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे अगेन उसमें थोड़े थोड़े से लम्स हैं। दैट्स वाई मैं विस्क की मदद से उसको अच्छे से विस्क कर रही हूँ ताकि अगेन मेरे पास एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए कस्टर्ड का, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट हो जो मेरी डिज़ायर के अकॉर्डिंग है। सो येस, इट रियली वर्क्स। ये टिप ज़रूर आप पल्ले बांध लीजिएगा मेरी। चलिए अब इसको डेकोरेट करते हैं।